देखो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? हर एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है, ठीक है। उस इन्फ्लुएंस के फील्ड में जो भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा उस पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स डिपेंड करेगा कि वो चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर है और किस पॉइंट पर है, किस पोजिशन पर है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस तरह से हर एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस में हमारे आसपास कई सारे चार्ज पार्टिकल मौजूद होंगे, ठीक है, तो उनके कारण एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, ठीक है। वो अपने आसपास एक इस तरह का फील्ड जनरेट करेंगे जो कि सभी के कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हमारे आसपास हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है। उसको कैसे हमने डिफाइन किया? किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो निकाल लो। फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से आप हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, क्या है, ठीक है। एक बार अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो उसका फायदा यह है कि अगर आप किसी भी तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहीं भी रखते हो स्पेस में तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स को आप सीधे निकाल सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो सो इट वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, और निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? आगे अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक। तो समझो ये एक पॉइंट चार्ज है, से प्लस क्यू, राइट। ये पॉइंट चार्ज स्पेस में हर पॉइंट पर अपना एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस बनाएगा, हर जगह इसका इफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। उस इन्फ्लुएंस को कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे? मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पॉइंट पी, तो क्या करूंगा? पॉइंट पी पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूंगा, प्लस क्यू नॉट, ठीक है, टेस्ट चार्ज। इस पर लगने वाले फोर्स को निकालूंगा। अब सिर्फ एक ही चार्ज है, इसी के कारण फोर्स होगा, और तो कोई है नहीं, ठीक है। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा, हम जानते हैं प्लस प्लस मतलब रिपल्शन, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो उस केस में फोर्स इस डायरेक्शन में लगता, अट्रैक्टिव फोर्स लगता। तो ये डायरेक्शन है फोर्स की, और हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होनी चाहिए, राइट। और ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फोर्स अपॉन चार्ज। तो पहले फोर्स निकालो, कूलम्स लॉ से हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाल लेंगे। सो कॉन्स्टेंट, फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन, ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, मान लो आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और साथ में फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी?
रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो उस केस में एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा आर कैप, वो आर कैप यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, डिवाइड कर दो उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास क्या होगा, कॉन्स्टेंट क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और अगर वो नेगेटिव चार्ज होता तो उस केस में क्या होता, फोर्स इधर लगता टेस्ट चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होता, मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। पॉजिटिव है तो उसका फील्ड कैसा होगा, देखो इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इधर इस तरफ होगा, यहां निकालना है तो इधर, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उस केस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ हो, सिर्फ टू डायमेंशन नहीं थ्री डायमेंशन में भी, जैसे चार्ज यहां रखा है मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों को एक लाइन से जोड़ दो, इस लाइन में बाहर की तरफ होगा, यहां निकालना है दोनों को जोड़ो, इस लाइन में बाहर की तरफ हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो इस चार्ज को सेंटर पर मानो और एक स्फीयर बना लो इसके आसपास, तो उस स्फीयर के हर पॉइंट पर जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसका, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का, और इसी के प्लेस पर अगर नेगेटिव चार्ज लेता हूं तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यहां निकालना है ये डायरेक्शन हो, यहां पर